नमस्कार, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले जो भी वीडियोस मैंने बनाए उसमें एक सवाल ज़रूर मेरे पास जो ज़्यादा आया उसके बारे में आज मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। हिंदी में हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका उच्चारण हमें पता ही नहीं पड़ता कि इसका दो तरीके से उच्चारण होता है। असल में वो जो अक्षर हैं वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो एक जैसे हैं नहीं, उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है और इसी वजह से उनका उच्चारण और उनका मतलब बदल जाता है। तो ऐसे कुछ हिंदी के जो अक्षर हैं उनको लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ासतौर पर टीवी इंडस्ट्री से अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है या फिर प्रिंट मीडिया से अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि उनको वो लिखना भी पड़ता है। तो वो जो लिखते हैं अगर वो गलत लिखते हैं तो उसका उच्चारण भी गलत होता है, और लिखने में जब लोग उसको देखते हैं तो उस लिखने वाले पर और पत्रकारिता पर भी सवाल उठते हैं। तो पहला एक ऐसा बड़ा शब्द जिसको लेकर बहुत ज़्यादा और ख़ासतौर पर जो अभी नई पीढ़ी जो इस मीडिया इंडस्ट्री में आ रही है उसके साथ बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये शब्द असल में कैसे लिखे जाएंगे, कैसे बोले जाएंगे और इनके नियम कायदे क्या हैं। मैं नियम कायदों में बहुत ज़्यादा हिंदी की डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, ऊपरी तौर पर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा रू जो शब्द है वो दो तरीके से लिखा जाता है। हमने क ख ग घ घ जो पढ़े हैं और इसके अलावा बारह खड़ी आपने अगर पढ़ी हो, क का की ख खा खी की। आजकल हालांकि इसे नहीं पढ़ाया जाता लेकिन इसमें आपने गौर किया होगा, हम बाकी शब्दों को तो देखते हैं उसमें छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा होती है, लेकिन जो र होता है र में जब हम मात्रा लगाते हैं तो उसे अक्सर ज़्यादातर लोग बिल्कुल एक ही तरीके से लिखते हैं। उनको असल में पता ही नहीं कि जो र में ऊ की मात्रा है वो भी दो तरीके से होती है, छोटा रू भी होता है और बड़ा रू भी होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि बाकी सारे अक्षरों में जो शब्द हैं, माफ़ कीजिएगा, जो अक्षर हैं उन सब में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती है तो इसलिए वो अलग से दिखती है, लेकिन र अकेला ऐसा शब्द है जिसमें ऊ की मात्रा एक ही जगह पर लगती है और वो इस तरीके से लगती है कि उसमें हल्का सा फ़र्क होता है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको फ़र्क समझ में आएगा, लेकिन आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता कि रू में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो मसलन आपने गुरु की जगह गुरु लिख दिया तो वो सही नहीं है, शुरू की जगह शुरू लिख दिया तो वो सही नहीं है, इसलिए आपको रू की मात्रा को समझना होगा। क्योंकि रू में जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो बिल्कुल उससे लगती हुई लगती है, आपको मेरे साइड में दिख भी रहा होगा, रू में छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। और रू में अगर बड़े ऊ की मात्रा हो तो आप देखें कि इसमें एक हल्की सी छोटी सी एक डंडी आती है और फिर उसके बाद ये रू की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा इसमें लगती है। तो ये फ़र्क है और इसका उच्चारण भी दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो अलग है। छोटे रू की मात्रा, जो भी छोटी मात्राएं होती हैं उनको हम जल्दी बोलते हैं, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं चाहे बड़ी ई की हो या बड़े ऊ की हो उनको हम थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं। तो मसलन गुरु ये छोटे ऊ की मात्रा है, अगर हम इसको रू को बड़ा बोलेंगे तो जैसे शुरू में रू बड़ा आता है तो इसको बोलेंगे हम शुरू। तो ये फ़र्क है इसको लिखने का भी और बोलने का भी। तो अगर आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं तो आप इसको सही तरीके से लिखें ताकि जो लिखा हुआ जाए उसको लोग उसकी तारीफ करें। ऐसे ही हिंदी के दो और शब्द मैं आपको अभी बता दूं, एक है ड, एक है ढ। ड डमरू वाला और ढ ढक्कन वाला। अक्सर हमने देखा है टीवी पर भी, मैं देखता हूँ कई बार, मैं अखबार या कोई मैगजीन पढ़ता हूँ तो उसमें देखा है कि डमरू में लोग ड के नीचे बिंदु लगा देते हैं, ढक्कन में ढ के नीचे बिंदु लगा देते हैं। एक इसका सरल सा नियम मैं आपको बता देता हूँ, ड और ढ ये कभी भी किसी शब्द में, ये अक्षर किसी भी शब्द में अगर सबसे पहले शुरुआत में आ रहे, जैसे डमरू और ढक्कन इसमें अगर आ रहे हैं तो इनमें कभी भी नीचे, जो आप एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो जो नीचे बिंदु देखते हैं वो कभी नहीं आता और उसका उच्चारण भी उसी तरीके से नहीं होता। दोनों का उच्चारण फर्क है, ड ड ड में अगर हमने बिंदु नहीं लगाया तो उसका उच्चारण होगा ड, और इसमें अगर बिंदु नीचे लगा तो उसका उच्चारण होगा ड। इसी तरह ढ और इसमें बिंदु लगा तो ये हो गया ढ। और इसको मैं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आपने डमरू देखा होगा, इसको अगर आप डमरू बोलें तो बोल भी नहीं पाएंगे और ये सही भी नहीं है। तो ये एक नियम है हिंदी का कि इसमें ड और ढ अगर पहला अक्षर है किसी शब्द का तो उसमें कभी भी बिंदु नहीं आएगा, मोटा नियम यह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला शब्द नहीं है और बाद में अगर आ रहा, जैसे बड़ा, तो बड़ा में तो शब्द उसमें बिंदु आएगा ड के नीचे, लेकिन हर ड या ढ में
अगर वो पहला अक्षर नहीं है बाद में लिखा जा रहा है तो उसमें बिंदु आए ही, ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलग अलग उच्चारण अलग अलग तरीके से शब्दों के होते हैं, लेकिन कभी भी अगर किसी शब्द में पहला अक्षर ड या ढ है तो उसे हम ड या ढ न तो लिखें और ना ही बोलें। इसके अलावा एक और शब्द है जिसका उच्चारण मैंने अब तक जितने लोग देखे हैं, मैं 95% लोगों की बात करूं तो उसका गलत उच्चारण करते हैं, वो है क्ष। ये है क्षत्रिय वाला। कई लोग इसको श बोलते हैं, कई लोग इसको छ बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण ये नहीं है। मैं अंग्रेज़ी से आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये संयुक्ताक्षर है और ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। आप इसको इस तरह से समझिए कि आधा का और श, इससे मिलकर ये क्ष बना है। तो इसका उच्चारण भी हमें ऐसे ही करना है जिसमें आधा का भी उच्चारण आए और श का भी उच्चारण आए। तो इसको ना तो आपको क्षत्रिय बोलना है, ना आपको इसको क्षत्रिय बोलना है, आपको इसको बोलना है क्षत्रिय। अंग्रेजी में जब हम इसको लिखते हैं क्ष को, तो आपने देखा होगा कि के एस एच, एस एच नहीं लिखते हम, के एस एच। इसका मतलब उसमें क का, आधे क का उच्चारण भी है। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि जब भी आप क्षत्रिय या चक्षु या क्षणिक, ये जो शब्द हैं जिनमें क्ष आता है, तो इसका उच्चारण इस तरह से करें कि ये आधा का और इसके बाद श का उच्चारण इसमें आए। थोड़ा सा मैं और आसान करने की अगर बात करूं तो जैसे, हालांकि इससे ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक आसानी आपको इसको समझने में होगी। मसलन आप रिक्शा, रिक्शा में अगर हम रि को हटा दें तो जो बचा वो कुछ कुछ मिलता जुलता उच्चारण देता है क्ष का, रिक्शा, क्ष, क्ष, क्ष। समझ पा रहे हैं आप? रि हटाया का आधा का और श, उससे बना रिक्शा। तो हमें क्ष का जो उच्चारण है वो भी सही तरीके से करना है। इसके अलावा एक और शब्द है ज्ञ। कई हिंदी के जानकार इसको ज्ञ का उच्चारण करते हैं। आपने बाबा रामदेव को सुना होगा, वो ज्ञानी नहीं उज्ञानी बोलते हैं। तो हिंदी के जो कुछ बड़े जानकार हैं इसको वो आधा ज और य का मिला जुला रूप मानते हैं और इसको लिखते हैं ज। हालांकि इसकी शक्ल भी वैसी ही दिखती है, मिलता जुलता, तो इसको जब हम संयुक्ताक्षर के तौर पर लिखते हैं तो इसमें ज भी दिखता है और य भी दिखता है। लेकिन आजकल जो इसका उच्चारण की अगर हम बात करें तो इसके उच्चारण को आधा ग और य इस तरह से उच्चारित किया जाता है। तो आप दोनों में से जिस भी तरह से उच्चारण इसका करें वो दोनों ही सही है, लेकिन इसका उच्चारण सही तरीके से होना ज़रूरी है। तो ये हिंदी के कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको लेकर अक्सर लोगों में गलतफहमी होती है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इनका उच्चारण किस तरीके से होना चाहिए। और जब हम इसको लिखते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और इसकी वजह से हम कई बार हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो आपको इन शब्दों को पता हो। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा रू, बड़ा रू, इसके अलावा ड, ड, ढ, ढ और इसके अलावा क्ष, ये कुछ ऐसे टिपिकल शब्द हैं जिनके उच्चारण को अगर आप समझ पाएँ, इनको अगर आप सही तरीके से उच्चारण करें तो आपकी बोलने की शैली की लोग तारीफ करेंगे। आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप दूसरों से अच्छा बोलते हैं, बेहतर बोलते हैं। तो आप इस फील्ड में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने उच्चारण को शुद्ध करें, अपने लिखने के जो शैली है उसको सही करें, जो लिखें वो सही लिखें। क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में बोलना और लिखना, ये दोनों कला सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर आप सही चीज़ों का, सही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सही उच्चारण का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए इस मीडिया इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं उच्चारण के बारे में, एंकरिंग के बारे में, जिसे हम सूत्रधार बोलते हैं एंकर को, या फिर टीवी शोज़ के बारे में, डिबेट्स के बारे में, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उससे पहले सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियोज़ आने वाले वक्त में बनाएंगे तो आपको हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपके पास अपने आप इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।